नमस्कार बिहार समाचार में मैं दीपक आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिनभर की छोटी बड़ी सभी खबरों को लेकर के आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हैं। ऐसी खबरें जो अखबार के पन्नों तक नहीं पहुंच पाती, टेलीविजन के स्क्रीन तक नहीं जा पाती, वो सारी खबरें हम आप तक लेकर के आए हैं। बस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। बिहार के गरीबों के लिए तेजस्वी और नीतीश का बड़ा फैसला, भूमिहीनों के लिए दिया जाएगा मकान। और इसके साथ लिया गया एक बहुत बड़ा निर्णय, तेजस्वी और नीतीश ने साफ तौर पर बिहार के लोगों के लिए एक और बड़ा इतिहास बना दिया है। बड़ी खबर में जानेंगे किस तरीके से चिराग पासवान ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नजरों में खुद को सितारा साबित करने की पूरी तैयारी शुरू कर दी और बीजेपी ने उन पर भरोसा जताना भी लगभग शुरू कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार क्या संपूर्ण शराबबंदी कानून के खिलाफ और भी कोई मजबूत एक्शन ले सकते हैं? क्या नीतीश कुमार संपूर्ण शराबबंदी कानून को बिहार में और भी सुचारू ढंग से लागू करने के लिए कोई और बड़ा निर्णय ले सकते हैं? बात करें किस तरीके से इंडिया अलायंस के अंदर जी रवि कुमार सिंह, तेजस्वी यादव और इसके साथ कई अन्य बड़े नेताओं के नाम को आगे दिए जाने के बाद में उनके कंधों पर और भी जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया है। बिहार के पुलिस अभ्यर्थियों के लिए बड़ी गुड न्यूज है, बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं अगर आपकी इच्छा है तो आज की इस बड़ी खबर को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बारे में। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के बारे में कई बड़े खुलासे किए, कई बड़े बातें कही और कहा नीतीश कुमार का सोच समझ बिल्कुल अलग है। उपेंद्र कुशवाहा ने 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर के नई अपडेट दी और कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार के अंदर जात पात पर नहीं बल्कि विधि व्यवस्था पर लड़ी जाएगी। इसके साथ बात करेंगे किस तरीके से कांग्रेस ने अपने परचम को लहराया, 5 राज्यों में कांग्रेस ने जीत के एजेंडे को मजबूत किया और इसके साथ यह साफ कर दिया कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे कई राज्यों में। नरेंद्र मोदी ने करमवीरों से मिल करके तमाम लोगों के बारे में हालचाल जाना, उनके घर स्वस्थ तरीकों से पहुंचाने की इच्छा जाहिर की और इसके साथ कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आधी रात को आपसे बात करने चला आया। साथ ही साथ बात करें किस तरीके से राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव को लेकर के अपने जिया लगातार खून पसीने को एक कर दिया है, जिसके बाद में नई नई खबरें सामने आई है। इसके साथ बिहार के पावर स्टार, भोजपुरी के सुपर स्टार और इसके साथ लोगों के लोकप्रिय अभिनेता पवन से आरा से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर के आए हैं। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के चुनाव को लेकर के नई और महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारियां लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया और कहा बस इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त होने वाली है। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से बिहार के अंदर अगर आप भी कार्य करना चाहते हैं और बिहार के अंदर अगर आपको रोजगार चाहिए तो आपके लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी है, बड़ी जानकारी है, तो जरूर जान लीजिएगा। साथ ही साथ नीतीश कुमार के कई बड़े निर्णय और नीतीश कुमार के चाहने के वजह से लोगों के दिलों में उनके प्रति एक नई भावना और इसके साथ प्यार का मोहब्बत का एक नया शुरुआत हो चुका है। लालू प्रसाद यादव ने 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर के नई अपडेट और नई जानकारी दी है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम सभी इतिहास बनाने वाले हैं, हम सभी कोशिश करने वाले कि एक नया इतिहास बने और एक नया इतिहास बने। इसके साथ बिहार के जिया चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप मामले में एक और नया मोड़ आया। मनीष कश्यप जेल से बहुत जल्द बाहर आएंगे लेकिन वो शेर सपूत और कर्म की तमाम लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 2024 के चुनाव में हम सभी को पता है इंडिया अलायंस को कमजोर करने का प्रयास बीजेपी कर रही है, पर इंडिया अलायंस कमजोर होने वाली नहीं है, यहाँ चुनाव से पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। साथ ही साथ बात करें किस तरीके से आज एक बार फिर जी बिहार और तमाम अन्य जगहों पर शिक्षा व्यवस्था पर सरकार की पहली नजर, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए पहला योगदान लिया गया। साथ ही साथ बात करेंगे इंडियन रेलवे की टिकट ना मिलने की वजह से परेशान लोगों के बारे में, जो अपने कार्यस्थल तक छठ पूजा के बाद पहुंचना चाहते हैं पर टिकट की व्यवस्था लग ही नहीं पा रही है। साथ ही साथ आज की बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से एक बार फिर बिहार में लगातार लोगों को चर्चा का विषय बनना पड़ रहा है और चुनाव से पहले ही लोग ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी को सीएम बनाया जाए। इसके साथ आज की बड़ी खबरों में जानेंगे अरविंद केजरीवाल ने 2024 के चुनाव को लेकर क्या नया निर्णय लिया है, 2024 में किस तरीके से उनकी ताकतों को मजबूत करने का बड़ा प्रयास किया गया है और इसके साथ किस तरीके से ममता बनर्जी ने 2024 की लोकसभा चुनाव जीत करके अपने नाम हासिल करने वाली बड़ी किताब कोशिश करने शुरू कर दी है। टीएमसी के लिए जगह जगह पर जनसभाएं करना शुरू कर दिया है। तो पप्पू के जनसभा में लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लगने से लालू प्रसाद यादव के नारे से खफा खफा नजर आए ये पप्पू यादव और कहा ऐसी
चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं करता। इसके साथ बात करेंगे सोनिया गांधी ने महिलाओं के लिए और देश के अंदर 5 राज्यों के चुनाव पर अपनी पहली ओपिनियन देते वक्त उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से उन्होंने बड़े इतिहास बनाने के नए दावे कर दिए हैं। बात करेंगे जेपी नड्डा और तमाम अन्य बड़े नेताओं के साथ साथ बिहार के लोकप्रिय सांसद जी हाँ, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक बार फिर बेगूसराय के सांसद की लोगों के अंदर दिलचस्पी देखी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी तो चाहते हैं कि लोगों तक हम तमाम चीजों को पहुंचाएं, लेकिन सिस्टम उनकी करप्ट है। लेकिन इसके साथ लोकसभा चुनाव में उनको लेकर कई नए अपडेट भी दिए गए। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में एक और नया बड़ा खुलासा और इसके साथ अतीक के एक और गुर्गे को किया गया गिरफ्तार। मामले की पूरी तरीकों से जिया साफ करने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दें कि बिहार और इसके साथ कई अन्य इलाकों में लगातार साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ी है। इस दौरान साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए जी हाँ कई सिस्टम भी लगाए गए हैं। तो ऐसे में छोटी बड़ी सभी खबरों को विस्तार से नजर देखेंगे, एक एक खबरों को विस्तार से बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से और बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर से नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट दी है, बड़ी जानकारी दी है। नीतीश कुमार ने बताया कि 2024 के चुनाव में हम सभी बहुत जल्दी जीत हासिल करने वाले हैं और ऐसे में इंडिया अलायंस ना कभी कमजोर था और ना है। इंडिया अलायंस जब से बना है तब से लेकर के अभी तक रातों की नींद नरेंद्र मोदी को नहीं आई होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं इसका इम्पैक्ट और इसका प्रभाव क्या है, इसके प्रभाव किस तरीके से रोजाना लोगों के दिलों पर पड़ी है। यह उम्मीद की जा सकती है कि हम एक नए ताकत के साथ देश के आगे आकर्षण के केंद्र बनेंगे और एक और नया इतिहास बनाएंगे। खैर अब इसके बारे में आपकी जो भी राय होगी, जो भी अपडेट होगी वह ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार करेंगे आपके राय और विचारों का, आपके तमाम चीज़ों का इंतज़ार करेंगे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार और तमाम अन्य स्टेट में जीत हासिल। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी सामने आ रही है जेपी तमाम कोशिशों के बाद, जेपी नड्डा के निर्देश के बाद में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में बीजेपी हमेशा मजबूती के कगार पर रही है। आज गरीबों के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया है, लेकिन हम जब उनके साथ अलायंस में थे तो गरीबों के लिए भी बहुत कुछ किया गया है, मकान देना हो या तमाम चीज़ें, इसमें हम लोगों ने अच्छा कार्य किया है। लेकिन आज नीतीश सरकार लगातार लोगों की आवाज़ों को दबा रही है और बिहार को हमेशा दूसरे दिशा पर जाने का एक प्रयास किया जा रहा है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने 2024 के चुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट दी है। 2024 के चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव के नए अपडेट के साथ बिहार के लोगों को रोजगार देने की बातें उन्होंने कही है, लेकिन तेजस्वी ने यह अपडेट साफ तौर पर दे दिया है और कहा है कि लोगों के लिए तमाम समुचित व्यवस्था करना हमारी पहली कलम से, लोगों को रोजगार देने का व्यवस्था करना हमने ठाना था, हमने इसे पूरा भी किया है और उम्मीद करते हैं कि जो जो हमने वादे किए हैं, जो जो हमने बातें कहे हैं, वो सारी उम्मीदों के साथ एक तरफा हम जीत करके एक नया इतिहास बनाएंगे और लोगों के दिलों में अपने लोकप्रियता और अपने दिलचस्पियों को और मजबूत करके जाएंगे। खैर उम्मीद कर सकते हैं आपके लिए 2024 लोकसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद कर सकते हैं कि हम सभी लोगों के लिए आप सभी अपने तमाम कार्यों के साथ एक मजबूत और बेहतर प्रयास और उमंग के नए ताकतों के साथ लगातार निकल कर सामने आएंगे और देश हित में आपका एक एक बड़ा फैसला जरूर होगा। बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है, जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप, जिसे लोग ना सिर्फ पत्रकार बल्कि अपना बेटा और अपना नेता और इसके साथ साथ बिहार का वो सपूत मानते हैं, बिहार के लोगों ने मनीष कश्यप के लिए कई बार नारे बुलंद किए तो बिहार बंद भी इस पत्रकार के लिए कर दिया था लोगों ने। लेकिन आज यह पत्रकार मामले में नया नया मोड़ आ रहा है। पत्रकार पर लगातार किए गए कई FIR के बाद में जेल से बाहर निकाल पाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन रास्ते उतने भी कठिन नहीं जितना आप और हम समझ रहे हैं। बहुत जल्द बिहार का सिर जेल से बाहर। बड़ी खबर सामने आ रही है लालू प्रसाद यादव को लेकर के। लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर जी नरेंद्र मोदी को पनौती करार दे दिया, कहा वर्ल्ड कप हारने के पीछे का ये तो बड़ा वजह था ना, ऐसे में ये तो वर्ल्ड कप हम लोग जीत गए थे, वर्ल्ड कप खिलाड़ियों का था, अब नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप देखने चाहेगा तो यही होगा। लालू प्रसाद यादव ने कई तीखे अंदाज में साफ तौर पर बाण चलाए। लालू प्रसाद यादव की 2024 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी बड़ी अहम भूमिका निभानी है और लालू प्रसाद यादव ने लोगों को ये अपील किया कि जब भी वह
वह वोट करने जाएं तो नफरत को ना। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में ये लोग आकर के लोगों को बांट रहे हैं, ये जगह जगह पर जाकर के लोगों को बांट रहे हैं। ये आते हैं तो कहते हैं क्या दे दूँ आपको बता दीजिए, हमें क्या नहीं है वो देखिए। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में राजनीति। बड़ी खबर सामने निकल करके आई है नल जल योजना को लेकर के। बिहार में नल जल योजना नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक लोगों के लिए काफ़ी बड़ा जी हाँ ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश कुमार ने बना दिया था। लेकिन नल जल योजना के सुपर डुपर फ्लॉप होने के बाद में आज इस योजना पर लोगों ने चिंता जताई है, क्योंकि योजना के कई साल नहीं बीते हैं, महज एक सालों बाद नल से पानी तक नहीं टपक रहा है। ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है। सोनपुर का मेला अगर आपने नहीं देखा तो इस बार आप शायद मज़ा मिस कर जाएंगे। तो सोनपुर के मेले में इस बार आप सभी मज़ा ज़रूर लीजिए। सोनपुर के मेले में इस बार जानवरों की बड़ी संख्या और इसके साथ ही साथ तमाम अलग अलग प्रकार के जी हाँ कलाकार अपने कलाकारी को दिखाने देश के सबसे बड़े मेले, एशिया के सबसे बड़े मेले सोनपुर में पहुँच गए हैं, हाथी से लेकर के तमाम अन्य चीज़ें। तो सोनपुर का मेला अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, मिस करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।